तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सीक्रेट फैक्ट्स अबाउट डायमंड्स वर्ल्ड। और ये फैक्ट जानकर आपको बहुत ही बड़ा शौक लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा किसी ने सोची ना होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि डायमंड्स वर्ल्ड के हमजी और हमरिन जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप के डायमंड्स है, लेकिन डायमंड्स एवोल्यूशन में इनका टाइप वाटर टाइप था। जब मैंने सुना था तब मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था। फैक्ट नंबर 2, तो डायमंड्स वर्ल्ड में जो नए नए डायमंड्स आते हैं और उनके थर्ड एवोल्यूशन जो आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि अक्सर उनके नेम के एंड में निक्स 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 कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, जैसे कि जाइडोनिक्स, सार्डोनिक्स और वॉलकार निक्स। इतने सारे निक्स भरे पड़े हैं इस गेम में। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि निक्स का मीनिंग क्या है? तो ये मैंने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे रिजल्ट आया ये। निक्स का मीनिंग है पर्सनिफिकेशन ऑफ नाइट, और ये एक ग्रीक गॉडेस थी शायद। तो हाँ, अब आपको निक्स का मीनिंग भी पता चल चुका है। यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा अभी तक कि ये लोग हर बार सबको निक्स निक्स क्यों लगाते रहते हैं, कोई नया नाम ढूंढो यार। वेल, हाल ही में इन्होंने एक नया डायमंड रिलीज किया जो कि था जाइडोनिक्स का एवोल्यूशन जोनिसस। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आपको पता है कि डायमंड्स वर्ल्ड में जाइंट डायमंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं? जाइंट्स यानी कि बहुत ही बड़े बड़े डायमंड्स, लेकिन अब ये डायमंड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अब बोल रहे होंगे कि भाई फैक्ट वीडियो के नाम पर कुछ भी बके जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अब मैं आपको इसके प्रूफ दिखाता हूँ। ये डायमंड्स एवोल्यूशन का एक फोटो है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़े से डायमंड का फॉसिल है। लिटरली आप इन लोगों के साइज को और इस डायमंड के साइज को कंपेयर करो यार, लिटरली कितना बड़ा है ये डायमंड। और दूसरा प्रूफ है जायंट शेल्बी, तो ये आप शेल्बी आइलैंड पर इसे देख सकते हो, इसका कितना बड़ा शेल है यार, लिटरली कितना बड़ा शेल्बी होगा वो। और अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो बस एक चट्टान है, लेकिन डायमंड्स 2 में भी ऐसा ही कुछ है। और ये प्रूफ है कि डायमंड्स वर्ल्ड में पहले जाइंट डायमंड्स एग्जिस्ट किया करते थे। फैक्ट नंबर 4, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ डायमंड्स वर्ल्ड के स्टोरी के सबसे बड़े प्लॉट होल के बारे में, यानी कि उस स्टोरी के सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में। और ये मिस्टेक लिटरली बहुत ही ज़्यादा डम है। तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि डायमंड्स वर्ल्ड में जो अपना जेनिक्स है उसे टेंपल रूम्स में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही वायलेंट डायमंड था और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता था। लेकिन जेनिक्स को लॉक करने के बाद डायमंड्स के वर्ल्ड में फिर से शांति आ गई। लेकिन डायमंड्स वर्ल्ड के ट्रेजर के स्टोरी लाइन में हमें पता चलता है कि एक से ज़्यादा जाइडोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं डायमंड्स के वर्ल्ड में, क्योंकि बोरिस और उसके गर्लफ्रेंड डार्क लाइट गार्ड के पास भी जाइडोनिक्स रहता है। तो भाई यार ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर भाई एक से ज़्यादा जेनिक्स एग्जिस्ट करते ही थे तो फिर सिर्फ अपने वाले जेनिक्स को ही क्यों लॉक किया यार, उनको भी लॉक कर देना चाहिए था ना। और अगर भाई डायमंड्स के वर्ल्ड में ऐसे ही जेनिक्स घूम रहे होते तो फिर अपने क्लाउड ने सिर्फ अपने वाले जेनिक्स को छुड़ाने की कोशिश क्यों की यार, इतनी कीस जमा करने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा यार? लिटरली उसके भाई के पास ही जेनिक्स था, तो फिर उससे मांग लेना चाहिए था ना। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा प्लॉट होल हो गया है ना। हालांकि वो लोग इसे फिक्स कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि ये जो जाइडोनिक्स बोरिस और उसके गर्लफ्रेंड के पास है वो एक्चुअली में आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे एक लैब में। और वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये जो जाइडोनिक्स है वो दूसरे डायमेंशन से है। वेल, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है ट्रेजर के स्टोरीलाइन के साथ। फैक्ट नंबर 5, तो डायमंड्स वर्ल्ड में कुछ ऐसे डायमंड्स भी हैं जिनके नाम कुछ और होने वाले थे इनिशियली, लेकिन उन्हें लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया गया। जैसा कि हमारे जो डक्सीडो है उसका नाम डायमंड्स वर्ल्ड की फाइल्स में है डकरॉन। हाँ जी हाँ, डकरॉन नाम था उसका, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन्होंने डक्सीडो कर दिया होगा। और डक्सीडो डकरॉन से थोड़ा सा कूल लग रहा है, और
जो हमारी स्पार्क कैट है उसका नाम होने वाला था किटनेक्स। स्पार्क कैट नाम किटनेक्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उन्होंने ये नाम चेंज कर दिया और तीसरा डायनामोन है पेनिकॉन। और डायनामोन्स वर्ल्ड की फाइल्स में इसका नाम था टैको फॉक्स। अरे भाई यार, कुछ भी नाम रख देते, टैको के ऊपर फॉक्स लगा दिया, हो गया टैको फॉक्स रेडी। और तो और कुछ ऐसे डायनामोन्स भी है जिनका नाम डायनामोन्स एवोल्यूशन में अलग था, लेकिन डायनामोन्स वर्ल्ड में ऐड होते होते उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। जैसे कि जो हमारा हार्बोर है उसका नाम पहले हार्बोर नेरो था, और बोर्क्यूपाइनो का नाम था पोर्क्यूपाइनो, और कापा टॉयस का नाम था कापा टॉड। स्नारलिक्स का नाम होने वाला था स्नारलैक्स। वेल, फिर भी नाम टैको फॉक्स से तो अच्छे ही है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। वेल, इसी के साथ चलिए वीडियो को करते खत्म। बाय बाय।